यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2015 के फाइनल रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। 22 सालों की टीना डाबी ने टॉप किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतर आमिर उल शफी खान दूसरी तरफ और दिल्ली के जसमीत सिंह संधु तीसरे स्थान पर रहे। पहले प्रयास में ही दिल्ली की छात्रा ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त कर ये साबित कर दिया कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। 22 साल की टीना ने कम उम्र में ही सबसे बड़ी परीक्षा में पहला नंबर लाकर सबको चौंका दिया। टीना के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं टीना का कहना है कि उन्हें भी कुछ देर तक यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप 1 रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि डीयू के श्रीराम ऑफ कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएट टीना रोज 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करती थी और सिविल सर्विसेज में टॉपर आने के बाद उसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है एंड काफी हार्डवर्क किया गया पूरा एक साल, सब कुछ सैक्रिफाइस करके इसके लिए फोकस्ड अप्रोच से प्रिपेयर किया। मैं श्रेय दूंगी अपनी मम्मी को, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया और सपोर्ट किया, तो मैं तो उन्हें अपना क्रेडिट देना चाहूंगी। जाहिर नहीं कर सकती, शब्द नहीं है, इन्होंने मुझे वो सब दे दिया, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी अभी आप मीडिया ने ये कहा कि सारा श्रेय मम्मी को ही जाता है, क्या वाकई में सारा श्रेय आती है? नहीं नहीं, श्रेय यानी मैंने गाइडेंस दी है, उन्होंने पाथ फॉलो किया है, लेकिन जर्नी तो उनकी है, मैंने तो रास्ता दिखाया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती है और बहुत आज्ञाकारी है, हर बात मानती है और जो उनको बताया जाता है। मुझे याद है मतलब जैसे बचपन से पेपर पढ़ना, 10वीं से 4-4 पेपर घर में आते थे, पूरा पढ़ लेती थी, मतलब इन बहुत जी। सिविल सेवा परीक्षा में यूपी के युवाओं ने भी अपना परचम लहराया है। वहीं वाराणसी की अर्टिका शुक्ला ने राज्य में पहला और देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अर्टिका पेशे से डॉक्टर है। सिविल सर्विस के इस एग्जाम में कानपुर के प्रतिभागियों ने भी डंका बजाया है। आवास विकास में रहने वाले शशांक त्रिपाठी ने ऑल इंडिया रैंक में 5वां स्थान हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। 85वें स्थान पर विष्णुपुरी की अलंकृता पांडे ने भी कानपुर का नाम रोशन किया है। अलंकृता पांडे बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करती थी। अलंकृता के माता पिता दोनों को उस पर गर्व है। अलंकृता ने इंटर बिनर्जी कॉलेज से किया है, कोचिंग और सिविल सर्विस की तैयारी दिल्ली से की है। वो बेंगलोर में कई वर्षों से जॉब भी कर रही है, जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई भी करती थी। इसके अलावा 45वें स्थान पर शुक्लागंज के ऋषि त्रिपाठी रहे। कानपुर में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले 18 मेधावियों को इस परीक्षा में सफलता हासिल हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, खुशी लग रही बहुत। माता पिता का ध्यान तो हर समय अपने बच्चों पर ही रहता है। जब इंटर में थी उसके बाद चली गई MNIT इलाहाबाद पढ़ी, फिर वहीं से जॉब लग गया, चली गई बंगलौर। अब बंगलौर से भी जब उसका IAS का ये इंटरव्यू हो गया है, तब से वो 7 साल 8 साल बाद हम लोगों के साथ रहने का उसको अवसर मिला है। बागपत के महावतपुर बावली गांव के होनहार निशान तोमर ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2015 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 824वीं रैंक हासिल की है। निशान के चयन से गांव में खुशी की लहर है। बावली गाँव के निशान तोमर राजस्थान के गंगानगर में पले बढ़े हैं। आपको बता दें कि उनके पिता राजकुमार तोमर एक कृषि कॉलेज के प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्राम प्रधान का कहना है कि निशान के चयन ने क्षेत्र और गांव का गौरव बढ़ाया है और गांव के युवाओं को निशान से प्रेरणा मिलेगी। जी बहुत जो है गाँव के पूरे गाँव में पूरी खुशी लहर छाई हुई है और हम ये सोच रहे वो आए तो हम उसकी पूरी तन मन से पूरा स्वागत करेंगे। और जो है वो यहीं पढ़ के गए, उसके पापा भी और वो भी, और जो है पापा के साथ में पहले वो यहाँ पे उसके पापा रहते थे और जो है बड़ी खुशी की बात है। मेरे भाई ने बच्चे ने बहुत ही अपने माँ बाप का, गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, जिससे और बच्चे भी जो है शिक्षा लेंगे और आगे बढ़ेंगे जो है इन चीज को लेके, उनके अंदर भी उत्साह है बच्चों में। जाहिर है सिविल सर्विसेज के ये होनहार
देश की अव्वल प्रतिभाएं हैं। इनकी क्षमताओं का देश हित में उपयोग होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को इस एग्जाम में सफलता नहीं मिल सकी है, उन्हें अगली परीक्षा में और दम दिखाना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।